हेलो फ्रेंड्स, ये है बोट का स्टॉर्म मॉडल स्मार्ट वॉच में। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वॉच में जो फीचर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, इसके बाद हार्ट रेट मॉनिटरिंग है। इसका जो केस है मेटल का केस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके वॉच फेसेस जो है पर्सनलाइज कर सकते हैं, यानी आप खुद का भी वॉल पेपर इस पर ऐड कर सकते हैं। ब्रीथिंग का जो फीचर्स है इनहेल एक्सहेल यहाँ से ये भी काउंट करता है। डेली एक्टिविटी ट्रैकर्स है, कॉल नोटिफिकेशंस एंड जो अदर नोटिफिकेशंस है जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं और डेली जो साइकिलिंग करते हैं उसको ट्रैक आउट कर सकते हैं। स्लीप मॉनिटर है, 5 ATM वाटर रेसिस्टेंट है, यानी इस वॉच को आप 50 मीटर तक वाटर में यूज कर सकते हैं। तो अब ये वाटर प्रूफ काउंट होगी या नहीं ये बाद में बात करेंगे। इसके बाद आता है मल्टी स्पोर्ट्स मोड है और अलार्म्स, रिमाइंडर्स, म्यूजिक कंट्रोलर। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी पहली बार इस वॉच को देखूंगा। ये नया प्रोडक्ट आया अभी मेरे लिए, मतलब मार्केट में पुराना है, मैंने नया लिया है। ये देखिए बॉक्स में सबसे पहले आपको देखने को मिलती है ये खूबसूरत स्मार्ट वॉच। इसके बाद बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल है हम देख लेते हैं। यह इसका चार्जर, मैग्नेटिक चार्जर है। 1 ईयर्स का जो वारंटी कार्ड है वो इसमें मेंशन अटैच किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर वारंटी क्लेम कॉन्टैक्ट अस, ये भी बाद में देखेंगे। इसके बाद ये आप देख सकते हैं एक मैनुअल दिया हुआ है और मैनुअल में सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताई हुई है, अपने कैसे इसको कनेक्ट करना है। चार्जिंग का इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं फीचर्स की फुल इंफॉर्मेशन दी हुई है। कंपैटिबिलिटीज कौन से वॉच एप्लीकेशन के साथ, यानी कौन से iOS के साथ कंपैटिबल है या कौन से एंड्रॉयड वर्जन के साथ कंपैटिबल है, वो इसको मेंटेनेंस की प्रॉपर इसकी इंफॉर्मेशन है, फैक्ट की इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। बाकी जितनी भी वॉचेज होती है उसमें इससे थोड़ी कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है मैनुअल में। इसके बाद जिसमें एक और आपको देखने को मिलता है शिखर धवन का ये मैनुअल है, देख लेते हैं इसमें क्या है। मैंने भी आपको बताया पहली बार खोलना है, तो इसमें आपको जो इसके और क्या है इसमें, यह बहुत लंबा पेपर है। तो ये मतलब बड़े खुश हैं सब लोग, बोट्स के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी सबकी यहाँ पे इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इसके साथ एक ये छोटा सा स्टिकर दिया हुआ है बोट हेड, ये भी मेरे काम का नहीं है। तो अब नज़र डालते हैं वॉच के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने स्क्रीन कवर रखा हुआ है, तो ये आपके सामने स्क्रीन की लुक है। ऑन करने के लिए मुझे एक टाइम इसको चार्जिंग का कनेक्शन देना होगा। अब अगर चार्जर की बात करें तो मैग्नेटिक चार्जर है, सभी में मैग्नेटिक ही आ रहा है तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आप इसकी मैग्नेटिक पावर देखेंगे तो ये मेटल केस के साथ भी मैग्नेटिक पावर इसकी बहुत अच्छी है। जहाँ की मैंने फायरबोर्ड के जितने भी प्रोडक्ट्स देखे मैग्नेटिक पावर अच्छी है लेकिन इतनी भी हैवी नहीं है। उसके अलावा जो इसके बैक साइड पे सेंसर हैं, ये सेंसर मुझे काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं क्योंकि जितनी भी आपने वॉचेस देखी होंगी उनके सेंसर की इतनी अच्छी लुक नहीं है। जो यहाँ से नॉर्मली उनके ऊपर कवर तो लगा ही होता है लेकिन ये डिफरेंट लुक में दे रहा है। अब इसको यूज़ करके भी देखेंगे कि कैसा लगेगा। इसके बाद बात करें अगर स्ट्रैप की, ये बोट के स्ट्रैप क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है। देखिए तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके स्ट्रैप की क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी है। ये देखिए कैसे भी आप यूज़ करके देखें अच्छा लगेगा। और जो इसको जितने भी वैसे अभी जितने भी स्ट्रैप्स आ रहे हैं सभी में यहाँ से जो पिन रिमूविंग का कनेक्टर दिया हुआ वो तो चलो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन जितनी मैं जैसे कि बाकी वॉचेस भी आती हैं उनका जो स्ट्रैप की क्वालिटी है
और इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी में मेरे को ये डिफरेंस लगा है, थोड़ी सी सुपीरियर लगा है, क्योंकि अपना वॉचेस का बिजनेस है तो थोड़ा इसमें आइडिया तो हो ही जाता है। इसको ऑन करने के लिए वन टाइम चार्जर का कनेक्शन चाहिए होता है, तो मैंने इसको चार्जर के साथ कनेक्ट कर लिया है और ऑन कर लिया है इसको। ये हम इसे रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अब देखते हैं इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी। ये आपके सामने वॉलपेपर की जो इसकी लुक है, मेरे को ये वॉलपेपर अच्छा भी लगा, और डिस्प्ले की लुक जो है वैसे सभी वॉचेज़ में ऐसी होती है, कोई डिफरेंस नहीं है, पर अच्छी लगी है क्योंकि प्राइस रेंज सभी का ऑलमोस्ट सेम ही है। ये मार्केट में आपको 3099 की अवेलेबल होगी, 3000 तक आपको इजीली मिल जाएगी, और अगर कोई ऑफर आए तो उसमें प्राइस रेंज डिफरेंस हो जाता है। तो अब हम इसके फीचर्स पे एक बार लुक ध्यान दे देते हैं। यहाँ से आप स्लाइड करेंगे तो आपको हार्ट रेट, DND यानी डोंट डिस्टर्ब फीचर्स है, उसको ऑन करना, इनेबल या डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। ये है लिफ्ट रिस्ट, जो हम लोग जैसे टाइम को देखने के लिए लिफ्ट करते हैं, तो वो सेंसर के लिए है, इनेबल करना है या नहीं करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ बाकी जितनी भी आप वॉचेज़ देखेंगे ना, जितनी भी आपने इंटरनेशनल वॉचेज़ देखी होंगी या फायरबोल्ट वगैरह, ये उनमें बाहर नहीं आपको इजीली मिलता है, ये इसमें मेरे को अच्छा लगा ये। अब यहाँ से स्लाइड करते हैं तो सबसे पहले आएगा स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड पे हम अगर क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे, रन, वॉक, बाइक, हाइक, क्लाइंबिंग, ट्रेडमिल, स्पिनिंग, योगा, ये सब फीचर्स हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये देखिए, कोई भी आप जैसे जो भी आपने वर्कआउट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से रन कर दीजिए। यहाँ पे रनिंग होना शुरू हो गया। अब इसको बंद कैसे करना है ये मैंने भी देखना है। यहाँ से हमने ये जो भी एक्टिविटी है आपने परफॉर्म की, उसके बाद यहाँ से आपने थोड़ी देर प्रेस किया तो द मोशन टाइम इज़ टू शॉर्ट, डेटा विल नॉट बी रिटेन, यस करना चाहते यस कर दो, यानी एप्लीकेशन बंद होगी और जो आपने प्रोसेस किया था वो बंद हो गया। अब नेक्स्ट आता है हार्ट रेट। हार्ट रेट के बाद ऑक्सीजन मोनिटर, उसके बाद है ब्लड प्रेशर, देन रिलैक्स, रिलैक्स मोड है ये भी हम देखेंगे, अलार्म, इसके बाद आता है म्यूजिक कंट्रोलर, टाइमर सेटिंग एंड स्पॉट रिकॉर्ड। सबसे पहले तो हम इसके हार्ट रेट सेंसर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने हार्ट रेट सेंसर ऑन कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं हाथ रखा है तो ये लाइटिंग ब्लिंक होनी शुरू होगी, हटा दिया तो रिमूव होगी। अब ये फीचर वर्क कर रहा है या नहीं अभी देख लेते हैं। अब ये देखिए, अभी तक इसमें कोई रिजल्ट नहीं आया, अब मैं इसे वियर कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हार्ट रेट विजिबल होना शुरू हो गया। अब एक बार चेक फिर कर लेते हैं कि ये रैली में सही है या नहीं है, तो ये मैंने रिमूव कर दिया। ये देखिए, हार्ट रेट ज़ीरो हो गया, तो यानी कि ये फीचर वर्क करता है, और मैंने इसके बारे में स्टडी भी किया था, 98% वर्क करता है ये। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इसके बाद आता है ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ से ऑक्सीजन फीचर को ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, की स्टिल आ रहा है। अब ये मैंने वियर नहीं की हुई, अब ऐसे यूज़ करके देखते हैं, ऐसे चेक करते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए, इन दोनों को चेक करने का यानी इन प्रोसीजर को चेक करने का बेनिफिट ये है कि पता चल जाता है कि वाकई में ये वॉच रियली में जो फीचर्स हैं वो सब इसके वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे कई वॉचेस हैं जिन पे ये फीचर्स वर्कआउट नहीं करते, सिर्फ दिखावे के लिए बनाए गए हैं। और जैसे चाइनीज़ वॉचेस आती हैं जैसे जिनकी नॉन ब्रांडेड है, उन पे तो ये वैसे ही नहीं वर्क करता। ये देखिए, प्लीज़ कीप स्टिल लिखा रहा है और यहाँ पे हैंड का साइन बना हुआ। अब मैं इसे रीस्टार्ट मार लेता हूँ यही फीचर्स को, और इसे वियर कर लेता हूँ। ये देखिए,
यहाँ पे इसने शो किया 97% SpO2। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ रीस्टार्ट करके, ये देखिए वेयरिंग एंड नॉन वेयरिंग मैंने दोनों आपको शो कर दिया, ये 97% आ रहा है। अब बात करते हैं इसके बाद के फीचर्स की। बीपी ये वियर की हुई है एंड बीपी फीचर्स को चेक कर रहा है। तो ये देखिए अभी इसका रिजल्ट आ गया। रिलैक्स फीचर अब उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये मैं रिलैक्स फीचर पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसको रन कर दिया, एक मिनट दो मिनट जैसे आप सेट करना चाहो। रिलैक्स फीचर जो होता है ना वो है जैसे हम ब्रीथ को इनहेल एक्सहेल करना है। तो ये देखिए इनहेल करना है एक्सहेल करना है, ये आप इसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो आपकी थोड़ा जो एक्सरसाइज है, एक तो एक्सरसाइज में भी आपके हेल्प आउट होगा, फिट एंड फाइन रहेंगे। तो ये इसके लिए एक्सरसाइज है। अभी हम मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फीचर पे। ये अलार्म है, तो अलार्म का तो आपको पता ही है ये ब्लूटूथ के कनेक्टिविटी के साथ होगा। म्यूजिक कंट्रोलर भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। इसके बाद आता है टाइमर। टाइमर फीचर्स को आप यहां से ऑन कर देंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टाइमर फीचर्स का है। अब आता है टाइमर के बाद सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग में सबसे पहले डायल, तो डायल आपने कौन सा सेट करना है ये आप यहां से कर सकते हैं, बाकी आपने एप्लीकेशन के माध्यम से करना होता है। सेकेंड है इसमें ब्राइटनेस का, ब्राइटनेस कम ज़्यादा जहाँ से आप कर सकते हैं। थर्ड वन है अबाउट, अबाउट में आपको जो आपका मैक एड्रेस है वर्जन की इंफॉर्मेशन देगा। और लास्ट वन है शटडाउन, तो यहाँ से आप इसे शटडाउन कर सकते हैं। ऑप्शन है ये है स्पोर्ट रिकॉर्ड। स्पोर्ट रिकॉर्ड में जो आपके स्पोर्ट्स के होंगे वो करेगा। अभी आपका कोई भी स्पोर्ट रिकॉर्ड नहीं है, यानी मेरा कोई नहीं है, तो नो रिकॉर्ड शो कर रहा है। तो ये इसका प्रोसेस है। यहाँ से आप ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे, सबसे पहले आपको स्टेप्स शो करेगा, कितने किलोमीटर आप चले हैं वो शो करेगा, कितनी कैलरीज आपने बर्न की है, और यहाँ पे आपको वीक टोटल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो करेगा जो आपने फीचर्स को एक्सेस किया है। जब नीचे की तरफ हम स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज का दिखाता है। ये सब फीचर जो है एप्लीकेशन के माध्यम से यूज होते हैं। अब इसके लिए जो एप्लीकेशन है ये है बोट प्रो गियर, ये आप यहाँ से स्कैन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइदर आपको प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो नॉर्मली जैसे आप अपने वॉच के जो फीचर्स हैं जैसे कि कॉल नोटिफिकेशन हो गया, वॉच फेसेस हो गया, टाइम को 24 आवर 12 आवर्स, वेदर, ये सब इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो रहा बोट की वॉच के लिए। पहली बार मंगाइए तो आपको अगर वॉच अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और बात रहे इसके फीचर्स को प्रॉपरली यूज़ करने की, अब थोड़े दिन मैं भी यूज़ करके देखूंगा एक वॉच को और आपको कंटिन्यू इसका रिव्यू देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।